ओ भाई वो क्या, ओ भाई वो क्या, वो क्या बात, हेलो गाइस, खुफिया राज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि एक हॉन्टेड नदी पे हम हमको लेके आ चुके हैं, जैसे कि एक मछुआरा अपने परिवार का पेट भरने के लिए मछली पकड़ने के लिए इस नदी पे आया था, जो कि शाम ढलते ही वो घर नहीं पहुंचा। सुबह उसके परिवार ने खोज की, उसकी जांच पड़ताल की, तो उस व्यक्ति की इसी नदी पे सुबह की टाइम उसकी लाश प्राप्त हुई थी गाइस। उसकी ध्यान उसकी मृत्यु किस कारण हुई किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन सुबह की टाइम उस परिवार की छानबीन कुछ गांव वालों की मदद से, कुछ पुलिस कर्मचारी की मदद से उसकी लाश प्राप्त हुई थी गाइस। लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि इस हॉन्टेड नदी पे उस व्यक्ति की किस कारण मृत्यु हुई थी। वही राज जानने के लिए हम आपको लाए हैं इस हॉन्टेड नदी पे, आके देखते हैं इस हॉन्टेड नदी की सच्चाई और हकीकत क्या है गाइस। आओ हम दिखाते हैं आपको। भाई यहाँ पर कुछ भयानक नजारे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो जो कुछ भयानक पेड़ भी है इधर पे, आप देख सकते हो उसकी कंडीशन। रात के समय कुछ और, दिन में कुछ और देखते हैं ये नज़ारे। मैंने यहाँ पर दिन में भी आके वीडियो बनाई थी, लेकिन देख सकते हो इस हॉन्टेड नदी को आप, कितना भयानक नज़ारा है यहाँ का। ओ भाई क्या भयानक इलाका है भाई। पेड़ के पास क्या है, ये क्या है? ओ भाई कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। तो गाइस देख सकते हो इसी जगह पे उस शख्स की लाश प्राप्त हुई थी, किस कारण वो व्यक्ति की मौत हुई थी आज तक ना ही गवर्नमेंट इसका पता पड़ पाई, ना ही कोई गांव का कोई व्यक्ति पता पड़ पाया। इस भयानक नज़ारे को आप देख सकते हो, कितनी भयानक इलाका है ये, किस वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम में भी उस व्यक्ति के साथ कोई भी चीज़ नहीं आई। यो का भाई इधर, भाई कुछ ना कुछ कुछ था भाई। ओ भाई वो क्या, ओ भाई वो क्या, वो क्या बात, ओ भाई बात।